शहर में रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां, सेफ सिटी अथॉरिटी का तहलका खेज डेटा लाहौर न्यूज ने हासिल कर लिया। रोजाना ट्रैफिक के 1 लाख से ज्यादा खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड, दूसरे इजला से आई गाड़ियां भी खिलाफ वर्जियों में शामिल। सानहा मॉडल टाउन में मुबैना मुलव्वस अफसरान के मजे खत्म। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से टेलीफोनिक राबता। सानहा मॉडल टाउन में मुलव्वस अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म। इमरान खान ने वज़ीर आला को टेलीफोन पर हदायत जारी की। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी, वज़ीर आज़म का ताहिरुल क़ादरी से भी राबता। इंसाफ के हसूल तक साथ देने की यकीन दहानी। सानिया मॉडल टाउन में मुबैना मुलव्वस अफसरान इस वक्त कहाँ हैं? लाहौर न्यूज़ ने खोज लगा लिया। साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखैरा वफाकी मोहतसिब टैक्स के ओहदे पर रहे। साबिक डीआईजी ऑपरेशन राना अब्दुल जब्बार इस वक्त एनएमसी कोर्स पर हैं। एसपी मॉडल टाउन तारिक अजीज अब एसएसपी डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन हैं। एसपी मोबाइल अब्दुल रहीम शराजी एसपी सीआईए के अहम ओहदे पर फायज हैं। एसपी सलमान अली खान हाल ही में ओएसडी बने। इंस्पेक्टर आमिर सलीम इस वक्त एसएचओ शिमाली छावनी। इंस्पेक्टर रिजवान कादर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रंग महल है। सानहा मॉडल टाउन के पर्दे के पीछे कौन है सामने लाया जाए। शरीफ बरादरान समेत 12 साबिक वज़रा को पूछताछ से भी आजाद कर दिया। बैरियर्स हटाने के लिए कमांडोज और शूटर्स किसने भेजे? अगर पुलिस के सरबरा को तलब किया जा सकता है तो पंजाब हुकूमत के सरबरा को क्यों नहीं? ताहिरुल कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शहर में जगह जगह एहतजाज, सड़कों पर दिन भर मुजाहिरीन का कब्जा रहा। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का ठोकर न्यास बेग पर एहतजाज। नाजायज चालानों और टोल प्लाजों के खिलाफ मजदा एसोसिएशन का गजुमता चौक पर धरना। हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 1 माह की डेडलाइन। डेफ क्रिकेटर्स का मुतालबात की मंजूरी के लिए लिबर्टी चौक में मुजाहरा। स्कॉलरशिप न मिलने पर कजाफी स्टेडियम के बाहर पंजाब भर के कोचेज की नारेबाजी। शहर में एहतजाज और धरनों के बायस ट्रैफिक का बुरा हाल। ठोकर न्यास बेग फिरोजपुर रोड समेत इतराफ की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। लिबर्टी चौक में एहतजाज के बायस 3 से 4 घंटे तक शदीद ट्रैफिक जैम रहा। दिन भर सड़कों पर खार शहरी इंतजामिया को कोसते रहे। शहर में ट्रैफिक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर फनकार भी परेशान। 4 दिन से ट्रैफिक मसाइल से 2-4 हैं। पुलिस अवामी खिदमत की बजाय खामोश तमाशाई बनी है। अदाकारा समीना पीरजादा का ट्विटर एहतजाज। बढ़ती महंगाई में महकमा एक्साइज अवाम पर मजीद बोझ डालने को तैयार। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स में 10% इजाफा करने पर गौर। मोटरसाइकिल पर लाइफ टाइम टोकन टैक्स 1200 से 2000 करने की तजवीज। गाड़ियों पर 10 से 15 हजार रुपए तक लाइफ टाइम टोकन टैक्स लगाने की तैयारी। महकमा एक्साइज ने तजावीज हुकूमत को इरसाल कर दी। महंगाई के भंवर में फंसे गरीब आदमी के लिए नया घर बनाना भी मुश्किल। फैक्ट्री मालिकान ने
सीमेंट की बोरी 80 रुपए महंगी कर दी। सीमेंट बैग की कीमत 520 से बढ़ाकर 600 रुपए। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन ने इजाफा बिला जवाज करार दे दिया। जेल रोड के सर्विस रोड से शोरूम्स की गाड़ियों को हटाया जाए, हाईकोर्ट का हुक्म। सर्विस रोड और फुटपाथ ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल कर दें, जेल रोड पर ऑपरेशन करें। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का एसीसीटी को हुक्म, 1 अक्टूबर को अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड मुख्तिस करने का मामला, हाईकोर्ट के तीनों कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ग्राउंड बहाल करने के लिए 1 माह की मोहलत। कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने ग्राउंड के किराए की मद में 24 लाख रुपए का चेक अदालत में जमा करवा दिया। आम शख्स हो या पुलिस वाला, कानून सबके लिए बराबर। पुलिस अहलकार और वार्डन्स हेलमेट पहने वरना चालान होगा, जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने हुक्म जारी कर दिया। डीआईजी ऑपरेशंस को अमल दरामद करने का हुक्म। हेलमेट कीमतों में इजाफा, जिले इंतजामिया का एक्शन। जिले अफसरान के मैकलोड रोड के ताजरों से मीटिंग। ताजरों की लोकल हेलमेट 500 रुपए और इंपोर्टेड हेलमेट 1150 रुपए में फरोख्त करने की यकीन दहानी। हेलमेट की कीमतों में इजाफा, हाईकोर्ट में चैलेंज। आम आदमी को मुफ्त और मार्केट से सस्ते हेलमेट की दस्तियाबी यकीनी बनाने की इस्तदा। पेशी पर आए फरीकैन कचहरी के गेट पर लड़ पड़े, एक दूसरे पर लातों, मुक्कों और घूंसों से हमले। फ्री स्टाइल लड़ाई में खवातीन भी इन एक्शन, एक दूसरे पर डंडों के बाद। बीच बचाव करने वाले पुलिस अहलकारों को भी मुक्के पड़ गए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज। सरकारी महकमे मालियाती डिसिप्लिन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। नज्म व जब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। कवायद जवाबित की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला पंजाब का काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस के इजलास से खिताब। सूबाई वजीर खजाना का सूबे की माली हालत पर अदम इत्मीनान। साबिक हुकूमत दिखावे के बजट देती रही, 100 अरब रुपए के बकाया जात विरसे में मिले। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवाब बख्त की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का 80% बजट जारी स्कीम्स पर खर्च करने का फैसला। बजट 10 अक्टूबर को असेंबली में पेश होगा। इस वक्त थानों में करप्शन और नाअहल अफराद दोनों हैं। एफआईआर के इंदराज में वकला की मशावरत शामिल हो तो सूरत हाल बेहतर होगी। हमने करप्शन फ्री माशरे के क्याम के लिए काम करना है। हुकूमत बिजनेसमैन फ्रेंडली पॉलिसीज बनाने पर काम कर रही है। वफाकी वजीर कानून फरोख नसीम का पीसी होटल और लाहौर चैम्बर में तकरीब से खिताब।
फूड अथॉरिटी को पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के ताबे करने का फैसला। फूड अथॉरिटी को जम करने के लिए बनाई गई कमेटी की मीटिंग मिनट्स जारी। बासर माफिया ने कमेटी बनवाने की समरी निगरान हुकूमत के दौर में वफाक को भेजी। अहम इंकशाफात लाहौर न्यूज पर। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन का मामला, मंसूबे का सर नौ जायजा लेने का फैसला। हुकूमत का पहले से जारी फंड्स के ऑडिट का हुक्म। नए मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को 25 नवंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। एंटी व्हीकल कार लिफ्टिंग स्टाफ की बड़ी कार्रवाइयां। लाहौरी कार चोर गैंग के चार इश्तेहारी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 2,83,00,000 रुपए मालियत की 20 गाड़ियां बरामद। एसपी एंटी कार लिफ्टिंग आतिफ याद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अहलिया परवीन सरवर का मकबरा जहांगीर का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। मकबरा जहांगीर और आसार कदीमा के लिए सरवर फाउंडेशन से फंड्स जारी करने का ऐलान। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू के 28वें कोर्स के पासिंग आउट परेड। 889 एहलकारों ने तरबियत मुकम्मल की। इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार एहलकारों का पेशावराना तरबियत का अमली मुजाहरा। गवर्नर पंजाब और डीजी रेस्क्यू ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों में शील्ड्स तकसीम की। जमात इस्लामी के शुबा खवातीन के जेर एहतमाम फ्लैटीज होटल में हिजाब कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब की अहलिया समेत मजहबी स्कॉलर्स और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने औरत की हिफाजत के लिए हिजाब को लाजिम करार दे दिया। मुकर्रीन का मगरबी तहसीब की बजाय इस्लामी इकदार के फरोग पर जोर। रावी में बहकर आने वाले भारतीय शहरी की लाश वाहगा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले। भारतीय शहरी की लाश दरिया रावी के रैले में बहकर आई थी। भारतीय शहरी बलविंदर सिंह की उम्र 2 हेपेटाइटिस मूजी मगर काबिल इलाज मर्ज। शालामार हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में हेपेटाइटिस से मुतल्लिक आगाही वॉक। डॉक्टर्स और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शिरका ने मर्ज से बचाव से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर का नागुजीर होना करार दिया। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा पोल्ट्री एक्सपो का आगाज। मुल्की और बैनुल अक्वामी कंपनीज के 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशक ने इफ्तिताह किया। बोले पाकिस्तान में पोल्ट्री इंडस्ट्री दिन ब दिन तरक्की कर रही है। पाकिस्तान स्टील री रोलिंग मिल्स एसोसिएशन के इंतखाबात मेंबरान का लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स में सालाना इजलास। काशिफ अयूब को स्टील री रोलिंग मिल्स एसोसिएशन का नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। 17 रुकनी स्क्वाड में सरफराज अहमद एक बार फिर कप्तान बरकरार। अजहर अली, फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम और असद शफीक टीम में शामिल। फहीम अशरफ, हमजा रिजवान, हारिस सुहेल, उस्मान चुनवारी, अब्बास भी टीम का हिस्सा। मोहम्मद आमिर नाकिस कारकर्दगी पर टीम से बाहर। मोहम्मद हफीज भी नजरअंदाज। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर को अरब इमारात में खेला जाएगा। कौमी विमेन क्रिकेट टीम कल रात दौरा बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। कौमी टीम यकम से लेकर 6 अक्टूबर तक 4 T20 मैचेस खेलेगी। कप्तान जवेरिया वदूद जीत के लिए पुरअज़्म। कहती हैं ख्वातीन क्रिकेटर्स के लिए क्रिकेट फ्रंट फुट की गेम है। नाकस अशिया के इस्तेमाल से सजना संवरना महंगा पड़ सकता है।
वालिदा के लिए फेस क्रीम खरीदने वाले नौजवान को सेल्स गर्ल ने ब्लीच क्रीम थमा दी। वालिदा का चेहरा झुलसने पर शहरी सारिफ अदालत पहुंच गया। नाकिस हेयर ट्रीटमेंट से उल्टा बाल झड़ने पर खातून परेशान। अतर शहजाद ब्यूटी सैलॉन के खिलाफ 7 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर। और चिड़ियाघर में नए मेहमान की आमद, नील गाय के हां बच्चे की पैदाइश, तादाद 8 हो गई। चिड़ियाघर इंतजामिया ने अमरीकी मादा लामा भी खरीद ली, तादाद 3 हो गई।